हेलो बच्चों तो कैसे हैं आप सब लोग आज हम लोग क्लास एट का रैशनल नंबर्स करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस हम लोग इस चैप्टर को करने वाले चैप्टर वन है और थोड़ा सा कुछ कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट्स दिया हुआ है नए बुक में और कुछ बड़े ही अनोखे तरह के रिप्रेजेंटेशंस दिए हुए हैं इस सेम चैप्टर को देखने का एक अलग नज़रिया दिया गया है तो हम लोग बेसिकली रैशनल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है हम लोग जानते हैं कि जो नंबर सिस्टम है हम लोगों का लेट मी चेंज द कलर तो हम लोगों का जो नंबर सिस्टम है उस नंबर सिस्टम में हम लोगों का बहुत सारे अलग अलग तरह के नंबर्स हैं। एक है होल नंबर्स उसके बाद आप लोगों का नेचुरल नंबर्स है फिर आप लोगों का इंटीजर्स होता है इंटीजर्स के बाद आप लोगों का राशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स और फिर आपका आता है रियल नंबर्स अब देखिए ये सारे के सारे जितने भी सारे मैंने अभी बताया हम लोग बात कर रहे हैं रैशनल नंबर यहां पर आज हम लोग ये चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली ये टॉपिक है हम लोग का आज का तो एक्चुअली में क्या है कि होल नंबर नेचुरल नंबर इंटीजर्स दे आर ऑल रिलेटेड टू दिस रैशनल नंबर थिंग रैशनल नंबर पूरा पूरी अलग है रियल नंबर भी थोड़ा बहुत है रिलेटेड लेकिन हम लोग का टॉपिक आज वो है नहीं तो ये हम लोग का नंबर सिस्टम है ठीक है नंबर सिस्टम में आपका होल नंबर आ गया जो जीरो से स्टार्ट होता है ना जीरो वन टू थ्री उसके बाद आपका नेचुरल नंबर हो गया जो वन से स्टार्ट होता है वन टू थ्री फोर डॉट डॉट चलता है रहता है उसके बाद आपका इंटीजर्स हो गया तो इंटीजर्स आपका माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू माइनस वन जीरो वन कंटिन्यू होता रहता है तो ये आपका इंटीजर्स है बेसिकली और रैशनल नंबर्स क्या है नंबर्स के बारे में तो आज हम लोग बात ही नहीं करेंगे और ना ही रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट जाते हैं रैशनल नंबर्स पे तो रैशनल नंबर्स हम लोग क्या है कि बेसिकली रैशनल से आप लोगों का जो भी नंबर एक फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जा सकता है ये आपका रैशनल नंबर्स होता है ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। तो बेसिकली हम लोग इसको डिफाइन करते चलिए शनल नंबर्स का डेफिनेशन पे जाते हैं तब क्या होगा आप लोगों को और भी ज्यादा मजा आएगा इसको पढ़ने में शायद ना भी आए लेकिन मुझे तो मज़ा आता है बिल्कुल ये सब चीजों के बारे में जानने में तो डेफिनेशन क्या है रैशनल नंबर्स का अगर आप लोगों में से किसी को भी पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कमेंट डाउन बिलो किसका डेफिनेशन क्या है जल्दी जल्दी और अगर नहीं पता तो नो no प्रॉब्लम मैं तो हूं मैं तो बता रहा हूं डेफिनेशन रैशनल नंबर का कुछ ऐसा है एनी नंबर ठीक है नहीं शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखता हूं, नहीं तो तुम लोग भी शॉर्ट फॉर्म में लिख दोगे एनी नंबर इन द फॉर्म पी बाय क्यू वेर पी एंड क्यू आर ये आर थोड़ा सा गड़बड़ा आ गया शायद हाँ आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो तो ये हम लोगों का डेफिनेशन है राशनल नंबर का मुझे इसको हाईलाइट करने दो प्लीज तुम लोग इसको कंटिन्यू करो लिखना इसको लिख लो ये है हम लोगों का डेफिनेशन नंबर्स का डेफिनेशन है एनी नंबर इन द फॉर्म पी बाई क्यू यानी कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू का फॉर्म में हो मतलब ये ये स्पेसिफिक फॉर्म में हो ये स्पेसिफिक फॉर्म में अगर कोई नंबर आपको मिल जाता है तो वो आपका रैशनल नंबर होता है वन बाई टू देखिए पी और क्यू ठीक है मैंने p q लिखा है आप a बाई बी भी लिख सकते हैं बात सेम चीज है नो डिफरेंस ठीक है तो वन बाय टू यह भी पी बाय क्यू के फॉर्म में है वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स देखिए वन और टू इंटीजर्स में आ रहा है बिल्कुल आ रहा है तो वन और टू दोनों इंटीजर्स है हा? वैसे इंटीजर्स में आपका पॉइंट भी आता है तो दोनों ही इंटीजर्स है आपका उसके बाद बोला गया है एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो तो जो क्यू है यानी नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर वाला पार्ट ये हम लोग का जीरो है टू इज नॉट इक्वल टू जीरो तो क्या ये रैशनल नंबर हुआ हाँ ये रैशनल नंबर हुआ और एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग 22/7 क्या ये एक बहुत ही खास नंबर है दिस इज अ वेरी स्पेशल नंबर क्या कोई मुझे यहां पर बता सकता है कि ये इतना स्पेशल क्यों है व्हाई व्हाई दिस नंबर इज सो स्पेशल अगर तुम में से किसी ने भी बता दिया कि ये स्पेशल क्यों है तो मैं सच बता रहा हूं मैं उस बंदे से अभी तुम लोग क्लास 8 में हो ना तो मैं उस बंदे से इंस्टाग्राम में अपना आधा घंटा टाइम उसको दे दूंगा। अब तुम चाहे जो पर्सनल पर्सनली मुझसे एडवाइस लेना चाहो जो भी पढ़ाई के बारे में मुझसे जानना चाहो आधा घंटा तुम्हारे पास है अगर चाहो तो एक लाइव क्लास मेरे साथ कर सकते हो आधा घंटा के लिए मुझे बस जानना है कि ट्वेंटी टू बाई सेवन क्या है और हाँ सिर्फ दो ही लोगों को मौका मिलेगा ये लाइव क्लास अटेंड करने का तो प्लीज़ जल्दी जो सबसे पहले बोलेगा वही तो कमेंट सेक्शन में जाओ और अभी कमेंट करो कि 22 टू बाई सेवन एक्चुअली में है क्या ठीक है मुझे जानना है ये 22 by 7 है? है ये 22 22 क्या है 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 इतना स्पेशल क्यों चलो ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 22 टू बाई सेवन को देखते हैं इसमें क्या है पी वाला पार्ट भी है पी हो गया और q वाला पार्ट भी है और q जीरो है जीरो नहीं है तो सेवन है दिख रहा है एकदम क्लियरली तो यहां पर क्या होगा ये भी एक रैशनल नंबर है अब यहां पर ध्यान दो कोई भी नंबर में क्यों जीरो क्यों नहीं हो सकता चलो एक एग्जाम्पल ले लेते टू बाय जीरो क्यों अब टू बाय जीरो में ध्यान दो नीचे डिनोमिनेटर जीरो है बाय का मतलब क्या होता है डिवाइड होता है कोई भी नंबर को तुम क्या जीरो से डिवाइड कर सकते हो जीरो इंटू वन करूंगा तो जीरो आएगा नहीं हो रहा जीरो इंटू टू करूंगा तो जीरो आएगा ये भी नहीं हो रहा जीरो इंटू थ्री करूंगा जीरो आएगा ये भी नहीं आएगा जीरो इंटू इतना नंबर मैंने कर दिया चलो तब तो भी जीरो ही आएगा तो क्या जीरो से मतलब कोई भी नंबर क्या जीरो से डिवाइड हो सकता है द आंसर इज नो नो नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय जीरो तो इसीलिए जब इस तरह का नंबर आता है ना तो हम लोग इसको बोलते हैं अनडिफाइंड नंबर ये इंफिनिटी का साइन है वैसा लेकिन अनडिफाइंड ठीक है अनडिफाइंड इसका कोई डेफिनेशन नहीं है टू बाई जीरो को हम लोग इसीलिए मतलब डिनोमिनेटर में जीरो हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं तो क्या ये रैशनल नंबर है नो इट इज नॉट अ रैशनल नंबर जो कि ये दो रैशनल नंबर है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है का। ठीक है अब चलो तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है ठीक है ये क्वेश्चन अभी तुम लोग बताओ मुझे टू अल नंबर क्या टू राशनल नंबर है तो वीडियो को पॉज करो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो क्या टू रैशनल नंबर है इसका आंसर है येस टू इज अरे नंबर लेकिन कैसे देखो अगर मैं लिख दो टू बाई वन टू बाई वन को हम लोग कैसे लिखते हैं वन को एक्सक्लूडिव किया जाता है टू लिखते हैं और टू बाई वन जो है इसको हम टू लिख सकते हैं डायरेक्टली तो ऊपर में, में मेरा पी भी है क्यू भी है और क्यू क्या जीरो है जीरो तो नहीं है वन है तो ये भी मेरा रैशनल नंबर यानी टू का क्लोजर प्रॉपर्टी जो है बेसिकली ये बोलता है हम लोगों का कि सपोज मेरे पास नंबर है ए एंड ठीक है तो any two rational numbers A and B, A कुछ भी हो सकता है one by two, और B हो सकता है हम ले लेते थ्री बाई टू ठीक है two, ये ले लिया तो एनी टू रैशनल ए प्लस बी इज ऑल्सो आर रैशनल नंबर तो सोचो ए प्लस बी मेरा देता है सी सी कुछ भी हो सकता है ठीक है बेसिकली डिपेंड करता है ए और बी पे तो सी जो है ये भी रैशनल नंबर होगा तो मतलब अगर दो रैशनल नंबर का एडिशन हो रहा है तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी रैशनल नंबर होगा एग्जाम्पल से देख लेते हैं ठीक है वन बाई टू प्लस थ्री बाई टू दोनों में डिनोमिनेटर टू है तो मेरा एल सी एम क्या होगा टू होगा ठीक है एडिशन तो तुम लोग का आता ही होगा तो डिनोमिनेटर को टू लेना है उसके बाद मेरे पास वन है और थ्री है तो मैं यहाँ पर वन प्लस थ्री ले लूंगा डिनोमिनेटर सेम इसलिए ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें अगर नहीं हुआ तो होता है फोर बाई टू अब फोर बाय टू क्या फोर बाई टू भी एक रैशनल नंबर ही है बाद में ये कट के टू हो जाएगा लेकिन रैशनल नंबर है कि नहीं और वैसे भी टू तो भी जो टू है टू भी एक रैशनल नंबर ही होता है चलो ठीक है तो यहां तक तो हम लोग समझ गए उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है वट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बोलता है कि ए प्लस बी जो होगा विल बी बीवल टू बी प्लस ए ठीक ए प्लस बी जो होगा विल बी इक्वल टू बी प्लस ए ठीक है इसका मतलब क्या है कि मतलब एक रैशनल नंबर और दूसरा नंबर का एडिशन मैंने एक पर्टिकुलर पैटर्न में कर रहा हूं तो अगर उस पैटर्न को मैंने उल्टा भी कर दिया तो सेम चीज होगा हम लोग ये पता है टू प्लस थ्री जो होता है थ्री प्लस टू भी सेम होता है रैशनल नंबर्स के केस में भी यही चीज है फॉर एग्जाम्पल यही वाला एग्जाम्पल हम लोग ले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोग को क्या बताता है कि सोचो मेरे पास तीन नंबर है ए बी और सी ठीक है और मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं लेकिन मैं दो अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा हूं पहले तरीके से मैं कर रहा हूं ए इंटू बी इंटू सी तो बी मल्टीप्लाइड विथ सी मैं पहले कर रहा हूं और दूसरे केस में मैं कर रहा हूं कि ए मल्टीप्लाइड बाई बी पहले और फिर सी बाद में ठीक है ये थोड़ा कॉर्नर में आ गया इतना कॉर्नर में नहीं लिखना चाहिए हाँ अब ये सही है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही है कि अगर मैं इसको पहले मल्टीप्लाई करूं या फिर इसको पहले मल्टीप्लाई करूं जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी फर्स्ट टाइम देन मल्टीप्लाइड बाई सी एसोशिएटिव प्रॉपर्टी है इसका भी हम लोग चलो एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं फॉर कंफर्मेशन तो हम लोग लेते हैं वन बाय टू सिंपल नंबर से समझा रहे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है फिर ले रहे टू बाय वन और फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आ, सोचो थ्री बाय टू इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं और इस केस में इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है ब्रैकेट के अंदर रहना मतलब उसको पहले मल्टीप्लाई करना होता है तो वन बाय टू यानी वन बाय टू ही होगा टू इंटू थ्री और वन इंटू टू टू इंटू थ्री मेरा हो जाएगा कितना सिक्स एंड वन इंटू टू विन टू मल्टीप्लाइड विद्स टू एंड टू मल्टीप्लाइड विद्स टू हेयर अगेन थ्री बाई टू हुआ अब इसको लिख दो सिक्स मल्टीप्लाइड विधानल्टीप्लाइड विद टू विल गिव फोर एंड देन अगेन टू मल्टीप्लाइड विथ थ्री विल गिव सिक्स एंड टू मल्टीप्लाइड विध टू विल गिव फोर है जो मेरा आया था लेफ्ट साइड में वही मेरा आया राइट साइड में तो यानी इसी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आई गेस तीनों क्लियर हो गए होंगे वैसे एक स्क्रीन ले लो हाँ वैसे अगर तुम लोग अगर भूल भी जाओ स्क्रीन लेना एक बात मैं बता दूं कि ये सारा जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इसका एक पीडीएफ रहेगा ठीक है एक पीडीएफ फॉर्म रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा वहां से डाउनलोड कर लेना लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम लोग अभी क्लास को एक जरा से पढ़ो मत वहीं से पढ़ लो ठीक है क्लास कंटिन्यू करो वीडियो देखो इससे क्या होता है कि दो फायदे हैं पहला तुम्हारा और दूसरा मेरा पहला फायदा जो है वो तुम्हारा है उसमें क्या होता है कि तुम अगर मेरा वीडियो कंटिन्यू देखोगे ठीक है तो क्या होगा कि मेरा ये यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है सोचेगा कि मेरा ये वीडियो अच्छा है और बाकी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करेगा मेरा चैनल भी ग्रो करेगा मेरा फ़ायदा तुम्हारा फायदा क्या है कि अगर तुम वीडियो कंटिन्यू देखोगे तो तुम एक पर्टिकुलर रिदम फॉलो कर रहे हो जो फॉलो करना चाहिए पढ़ाई में ठीक है सिर्फ नोट्स पढ़ के अगर तुम पढ़ सकते हो तो फिर मैं बोलूंगा कि तुम अच्छे खासे ठीक ठाक ही हो तुमको ये ऑनलाइन क्लास करने की जरूरत ही नहीं है बुक्स निकालो कुछ नोट्स निकाल लो ऑनलाइन मिल जाता है और पढ़ लो और तुमको टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता लेकिन अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो तुमको ये पर्टिकुलर रिदम फॉलो करना पड़ेगा एक कंटिन्यूटी होता है टीचर के साथ उस कंटिन्यूटी में चलना पड़ता है तब जाके ये होता है ठीक है ज़्यादा बातें ना करके हम लोग आगे बढ़ते हैं ये हो गया उसके बाद आता है हम लोगों का ज़ीरो और वन के बारे में बोला भैया जीरो और वन किसको नहीं पता सबको पता है जीरो और वन क्या है क्यों लेकिन यहां पर हम लोग बात करने वाले कुछ अलग तरीके से रैशनल नंबर में हम लोग जीरो और वन के बारे में बात करेंगे ठीक है तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग जीरो के बारे में तो हम लोगों ने यहां पर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो पढ़ा ही था बिल्कुल तो बिल्कुल कुछ उसी तरह से रिलेटेड है सोचो मैंने कर दिया ए प्लस जीरो तो ये मेरा क्या होगा जीरो प्लस ए कम्यूटिव प्रॉपर्टी है लेकिन यहां पर ध्यान दो ए प्लस जीरो और यहां पर भी ए प्लस जीरो ए प्लस जीरो कितना होगा ए बचेगा और यहां पर भी ए प्लस जीरो कितना होगा ए बचेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं जीरो को जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी ठीक है और वन के बारे में फिर क्या है वन ठीक है हम लोगों ने यहाँ पर एसोसिएटिव पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थोड़ा सा उससे रिलेटेड है उतना भी नहीं चलो बात कर लेते ए मल्टीप्लाइड विथ वन विल गिव यू वन मल्टीप्लाइड विथ ए देखो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड बस इसमें मल्टीप्लाई था इसमें एडिशन है इसमें भी क्या होगा सेम चीज ए इज इक्वल टू ए तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वन इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बस ये याद रखना ठीक है अब हम लोग चलो कुछ एक्सरसाइज करते हैं यहां तक तो ठीक था अभी आता है मेन मुद्दे के बारे में ठीक है एक्सरसाइज वन पॉइंट वन सीबीएसई का बुक निकालो सब कोई और चलो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए तो एक्सरसाइज वन में हम लोग कौन सा चैप्टर कौन सा सॉरी चैप्टर बोल क्वेश्चन करेंगे चलो देखते हैं तो फॉर यू यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड इसमें कुछ नहीं है इसमें बस मल्टीप्लाई एडिशन माइनस मल्टीप्लाई फिर करना है सेम चीज है मतलब इसमें कुछ नहीं है इसमें ये ऊपर वाला ये जो वर्ड देख के तुम लोग डर जाते हो ना इस पर ध्यान मत दो प्लीज हाँ ये 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 ध्यान देने वाला चीज़ नहीं है ध्यान क्वेश्चन पे दो क्वेश्चन में सिंपल सा चीज़ बताया गया और वो है सम को सॉल्व करो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा पहले मल्टीप्लाई करो फिर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करो यहाँ पर एड करो या माइनस कर दो बस सिंपल सा चीज़ है यहाँ पर बढ़ते हैं राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग हम लोग करते हैं थ्री नंबर करते हैं माइनस सिक्स बाय माइनस फाइव टू का थ्री नंबर क्वेश्चन क्या है माइनस सिक्स बाय माइनस फाइव इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है हम लोगों को ठीक है तो शायद मैंने एडिटिव इन्वर्स के बारे में नहीं बताया एडिटिव इनवर्स क्या होता है ठीक है और एक चीज है रेसिप्रोकल के बारे में एडिटिव इनवर्स यहीं पर लिख देना अच्छा है एडिटिव इनवर्स बेसिकली क्या है अगर मेरे पास एक नंबर है समझो -a/b तो इसका एडिटिव इनवर्स जो होता है वो होता है a/b मतलब माइनस हट जाएगा और अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा सिंपल से बात है यहाँ पर देखो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा माइनस माइनस दोनों ही माइनस है तो फिर सिक्स एडिटिव इनवर्स है अब एडिटिव इनवर्स देखो कभी कभार क्या होता है हो जाते है मिस्टेक हो जाता तो उसको निकालना कैसे है? ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बता दे रहे तुमको बोला गया सेवन बाय नाइन का एडिटिव इनवर्स निकालना है। इसका एडिटिव इनवर्स कैसे निकालोगे सेवन बाई नाइन जो है और तुम अगर तुमको लग रहा है जैसे फॉर तुमको कैसे पता चलेगा तुम्हारा आंसर जो वो सही है सेवन बाय नाइन को क्या करो तुम एड करो माइनस सेवन बाई नाइन से क्या हो जाएगा ये अब तुम बोलोगे सर ऊपर में माइनस है नीचे में माइनस नहीं एक्चुअली में ये एक्चुअली में सेम ही चीज़ होता है ठीक है नीचे में ही माइनस दो ऊपर में माइनस दो मतलब होल माइनस ही होता है तो सेवन बाई नाइन प्लस माइनस सेवन बाई नाइन यानी तुम्हारा हो गया नीचे डिनोमिनेटर नाइन है तो नाइन लिखा जाएगा और ऊपर में प्लस सेवन माइनस सेवन तो हो गया जीरो बाई नाइन अब जीरो बाई नाइन जो है तुम्हारा आंसर होता है जीरो अगर तुम इसको ऐड करके लास्ट में जीरो ला पा रहे हो तो तुम्हारा एडिट इन्वर्स करेक्ट है ठीक है तो इसमें भी वही केस है टू का थ्री में उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है वेरीफाई दैट माइनस एक्स होल माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स सिंपल सा फिर से बताया गया है लेकिन हम लोग फिर से करेंगे तो थ्री का वन कर रहे पहले ठीक है तो टू जो है वो तुम लोग करना ठीक है वन बोला है एक्स इक्व टू इलेवन बाई फिफ्टीन तो थ्री में वेरीफाई करने बोला है कि माइनस माइनस ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो एक्स होता है इसमें वेरीफाई का कुछ है नहीं देखो माइनस ऑफ माइनस ए जो होगा माइनस माइनस जैसे ही ब्रैकेट हटेगा माइनस माइनस विल ऑलवेज गिव यू प्लस ए और प्लस को लिखा नहीं जाता है जनरली तो ए तो इसमें कुछ बताने का है नहीं लेकिन फिर भी चलो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे इलेवन बाई फाइव था एगे सॉरी फिफ्टीन ओके सो इलेवन बाई फिफ्टीन तो इलेवन बाई फिफ्टीन इसको वेरीफाई करना है ठीक है तो x का जो जगह है इलेवन बाई फिफ्टीन है हम लोग को प्रूफ करना है कि माइनस ऑफ माइनस एक्स भी जो होता है वो सेम नंबर ही होगा तो अगर मेरा x है इलेवन बाई फिफ्टीन तो मेरा माइनस ऑफ माइनस एक्स भी वही आना चाहिए ठीक है तो हम लोग लिख रहे हैं माइनस पहले उसके बाद लिखेंगे माइनस इलेवन बाई फिफ्टीन चलो देखते हैं क्या आता है तो यहाँ पर हम लोग कहा माइनस अब जैसे ब्रैकेट हटाएंगे हम ठीक है माइनस यहां पर बाहर में है बाहर में माइनस होना मतलब कुछ नहीं है तो मतलब वन तो माइनस वन इंटू माइनस इलेवन बाई फिफ्टीन अब माइनस इलेवन बाई फिफ्टीन समझ लो मेरा एक नंबर है कोई भी नंबर ए है एज इक्वल टू माइनस इलेवन बाई फिफ्टीन ठीक है A तो ए नहीं यहां पर एक्स है मेरा तो हम इसको बोल सकते हैं कि माइनस वन इंटू माइनस एक्स हो रहा है, मेरा, और minus into minus क्या होता है? प्लस तो यहां पर भी वही चीज होगा इलेवन बाई फिफ्टीन प्रूफ ब्रैकेट में लिख देना नंबर क्या बोला फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग हम लोग करेंगे जो तुम लोगों को सबसे टफ लग सकता है आई गेस यही है फोन नंबर उसी का हम लोग करेंगे माइनस फाइव बाई एट इंटू माइनस थ्री बाई सेवन माइनस फाइव बाई एट इंटू माइनस थ्री बाय सेवन आई गेस यही था आई एम नॉट रॉन्ग यस दिस टाइम आई एम नॉट रॉन्ग ठीक है माइनस फाइव बाई एट इंटू माइनस थ्री बाय सेवन बोला गया है इसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखना मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स यानी इसका रेसिप्रोकल निकालने बोला ठीक है अब रेसिप्रोकल क्या होता है ठीक है रेसिप्रोकल कहां पर लिखा जाए यहीं पर लिख दे रहे हम तब थोड़ा सा रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल यानी समझो मेरे पास एक नंबर है सेवन बाई टू इसका रेसिप्रोकल क्या होगा तो रेसी प्रोकल ऑफ सेवन बाय टू इज इक्व टू टू बाई सेवन सिंपल से बात है उसका उल्टा कर दो और कुछ नहीं तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल निकाले अब इतना इतना बढ़ा रेसी प्रोकल कैसे निकाले बाद में निकालना पहले मल्टीप्लाई करो जो आ रहा है उसको लिखो उसके बाद रेसी प्रोकल निकालो ठीक है तो एट इंटू सेवन माइनस फाइव इंटू माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस हो जाता है एक तो रूल याद रखना अगर तुम लोगों को पता नहीं है तो ठीक है हम इधर लिख दे रहे हैं रूल क्या है कि माइनस माइनस प्लस देता है प्लस प्लस माइनस नहीं देता प्लस ही देता है माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस इज आल्सो माइनस प्लीज कोई ये रूल का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो क्योंकि तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग ना जाने क्यों भूल जाते हैं क्लास नाइन टेन के बच्चों भूल जाते हैं हाँ। तो माइनस फाइव इंटू माइनस थ्री विल बी माइनस फिफ्टीन और एट इंटू सेवन विल बी और एट इंटू सेवन विल बी फिफ्टी सिक्स अब माइनस फिफ्टीन बाई फिफ्टी सिक्स है तो कि यहाँ पर यह डिवाइड नहीं हो रहा या फिर कोई भी कॉमन टर्म से डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग इसको डायरेक्ट लिखेंगे कि इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो होगा फिफ्टी सिक्स बाय माइनस फिफ्टीन सर सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दिया

और ये वन आ रहा है तो मतलब तुम्हारा कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया गया है वन इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी वो भी है मल्टीप्लाई सिक्स बाई थर्टीन बाई द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस सेवन बाई सिक्सटीन ये सब अगर मैंने कर दिया तो खत्म हो जाएगा बात फिर तुम लोग खुद करो ये सब हमसे माफ तो करवाओ बार बार ठीक है खुद से मेहनत करो लेकिन जो भी हो करो खुद से मेहनत अच्छा होगा अगर मैंने सब कुछ कर दिया तुम लोग सिर्फ छाप लोगे प्लीज़ मत छापो बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या होता है कि सब कुछ डाल देते हैं यूट्यूब में अच्छी बात है लेकिन वो तभी देखना चाहिए जब एक ज़रा सा भी तुमको नहीं आ रहा हो या फिर समझ में नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है और तुम उसको मतलब तुम्हारे अंदर वो आग ही नहीं लगा हुआ है वो क्वेश्चन ही नहीं है कि मुझे जानना है और तुम छाप रहे हो तो फंस जाओगे मैंने बहुत ये बार ये गलती किया प्लीज़ मत करना ठीक है हम लोगों का जो अगला टॉपिक होगा वो टॉपिक है हम लोगों का बेसिकली रेसिप्रोकल नहीं होगा हम लोगों का अगला टॉपिक है अब हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है रैशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स अब मैं बताता हूं डायरेक्टली क्वेश्चन से ही बताता हूं कोई एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं देता इसमें तो क्वेश्चन है हम लोगों का कुछ ऐसा राइट थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन वन बाय टू एंड थ्री बाय टू तो इन दोनों के बीच तीन रैशनल नंबर निकलें अब वन बाई टू थ्री बाई टू तुम लोग सोचा क्या रहे? तब तो फिर वन बाई टू जीरो पॉइंट फाइव होगा थ्री बाई टू वन पॉइंट फाइव होगा जीरो पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव फिर इसके बीच का नंबर निकालना है मुझे तीन टू तो, तो कुछ भी नंबर लिख दे, लिख देने से हो गया ना जीरो पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव तो इन दोनों के बीच में वन भी आता है जीरो पॉइंट सेवन भी आता है और इन दोनों के बीच में वन पॉइंट वन भी आता है चलो हो गया बीच का निकाल गया लेकिन नहीं ऐसा नहीं होने वाला ऐसे लिखने से ज़ीरो मिलेगा एग्ज़ाम में तो ये बुद्धि बिल्कुल मत अपनाना ठीक है हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली बात करते हैं कैसा निकालना चाहिए तो तुम लोग को प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि हाँ मिडल नंबर निकाला है एक बात थोड़ा ध्यान दो वन को अगर मैं टू से डिवाइड करता हूँ तो क्या होता है टू से कोई भी नंबर को अगर मैं डिवाइड करूँ तो बेसिकली उसका हाफ़ निकलता है ना वन को अगर मैं टू से डिवाइड करूँगा तो जीरो आएगा तो ज़ीरो ज़ीरो होगा फिर वन आएगा फिर इधर ज़ीरो दे, दे देंगे हम फाइव आ जाएगा तो जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव एक्चुअली वन का हाफ है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये मिडल में है हाफ यानी मिडल में सोचो अगर ये पूरा लाइन मेरा वन है वन सेंटीमीटर का लाइन है मेरा तो इसका बीच वाला पॉइंट क्या होगा ऑब्वियसली जीरो पॉइंट फाइव होगा और ये मैं कैसे निकालूंगा टू से डिवाइड करके तो ठीक वैसे ही हम लोगों को यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट यूज करना है अब कैसे यूज करना है चलो मैं तुम लोग का भी यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कैसे यूज करना है देखो यहाँ पर ध्यान दो वन बाई टू है थ्री बाई टू है क्या करो वन बाई टू प्लस थ्री बाई टू एड कर दो ठीक है और फिर बाई टू कर दो इससे पहला निकल जाएगा तो निकालो कितना आंसर आ रहा है ये तुम्हारा ऊपर में आएगा फोर बाई टू और नीचे बाई टू फोर बाई टू बाई टू कितना होगा बेसिकली फोर बाई टू बाई करने का मतलब होता है तुम्हारा यहाँ पर फोर बाय टू करोगे तो वो तुम्हारा आएगा टू और बाई टू करोगे तो वो आ जाएगा वन टू बाई टू वन ठीक है ये एक नंबर निकल गया विध प्रूफ सेकेंड नंबर कैसे निकले पहला निकला सेकेंड कैसे निकालोगे ये जो वन निकला इसको लिखो प्लस इसको पहले या तो वन बाय टू लिखो या थ्री बाय टू लिखो जो भी लिख सकते हो तो मैं वन बाई टू लेता हूँ बाय टू तो क्या हो रहा है यहां पर वन प्लस वन यहां पर कुछ नहीं तो यहां पर भी वन नीचे डिनोमेटर में लिखूंगा टू ऊपर में भी आ जाएगा टू इंटू वन ये आई गेस सबको पता है मुझे बताने का जरूरत है नहीं लेकिन अगर फिर भी नहीं पता तो मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं तो टू प्लस वन बाई टू बाई टू पहले इसको सॉल्व करना है फिर नीचे को देखना है तो टू प्लस वन आएगा मेरा थ्री बाई टू बाई टू इसको सिम्प्लाई सिंप्लीफाई कैसे करो देखो आप सिंप्लीफाई करना है ना इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर जाने से क्या हो जाएगा थ्री बाई फोर बस अब आगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं थ्री बाई फोर लिख के छोड़ दो ये आ गया तुम्हारा दूसरा वाला तीसरा वाला कैसे आएगा या तो इसको लो या फिर इसको लो ऑप्शन है तुम्हारे पास मैं वन को ही लेता हूँ मेरे लिए सिंपल है थ्री बाई टू ठीक है हमेशा एग्जाम में ये देखना सिंपल क्या होता है ठीक है ज़्यादा उड़ना नहीं नहीं तो फिर बहुत ख़राब गिरोगे तो थ्री प्लस वन इसमें भी वही कॉन्सेप्ट आएगा मेरा टू प्लस थ्री बाई टू बाई टू बाय नहीं इतना ही है प्लीज़ मत पूछना ये टू कहाँ से आया सेम कॉन्सेप्ट यहाँ वाला प्लस थ्री मेरा कितना होगा फाइव बाई टू बाई टू मैंने क्या कहा था मल्टीप्लाई होता है ये ये मल्टीप्लाई होता है देखो ए बाई बी बाई सी बाई डी बी और सी मल्टीप्लाई होगा ए और डी मल्टीप्लाई होगा समझ गए तो यहां पर मेरा ये तीन है डी तो है नहीं तो मेरा ए बी और सी यानी ये और ये मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फाइव बाई फोर आंसर आ गया बस यही आंसर तो लिख दो देर फोर दे के थ्री नंबर्स आर वन कौ थ्री by 4, कौम फाइव बाई और तुमको टू मार्क्स मिल गया एग्जाम में चलो ऐसे ही करके यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का चीज है एक और चीज यहाँ पर है रिप्रेजेंटेशन इन द नंबर लाइन इसके लिए तो तुम लोग नंबर लाइन के बारे में मुझे बताना पड़ेगा ठीक है तो चलो उसको भी बारे में बात कर लेते हैं हम लोग फिर देखो यहां रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन अब जैसे तुम लोगों को शायद पता होगा कि नंबर लाइन क्या होता है ठीक है मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूं इसको एक सीधा लाइन ड्रॉ करने का जो मुझसे अभी हो नहीं रहा है अब हो गया चलो अभी इसके बारे में बात करते हैं। नंबर लाइन क्या है बेसिकली नंबर लाइन में यहां पर तुम लोग देखोगे बीच में जीरो वन वन टू थ्री फोर फाइव माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव इसको लिख दो ठीक है ये नंबर लाइन बेसिकली तुम लोग तो जानते ही हो क्या होता है ठीक है अब हम लोग को क्वेश्चन में यहां पर दे दिया गया समझो टू बाय ठीक है इस तरह का रैशनल नंबर दे दिया इसको बोला यहां पर रिप्रेजेंट करने तो कैसे करोगे रिप्रेजेंट उतना आसान है नहीं लेकिन मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ कि ये नंबर लाइन जो ना ये काम में नहीं आने वाला इसके लिए हम लोग को एक पूरी तरीके से नया तरह का नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा ठीक है अब इसमें क्या है समझो टू बाई एट था मेरा है ना क्वेश्चन तो टू बाई एट जो मेरा क्वेश्चन है इसका मतलब क्या होता है ठीक है इसका मतलब होता है टू पार्ट्स ऑफ एट पार्ट्स मतलब आठ में से दो एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं ना सौ में से दो वैसे आठ में से दो ठीक है इस पर ध्यान मत दो डिमोटिवेट हो जाओगे ठीक है अगले बार से मेरा चैनल में धब्बा लग जाना चाहिए जो भी डिमोटिवेशन चैनल देखना चाहता है स्टूडेंट्स आर ओ सी एफ टी में आ जाए प्लीज बुरा मत मानिएगा तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे टू बाई एट बोला गया ठीक है तो यानी टू बाई एट यानी आठ पार्ट्स उसमें टू बाई एट करना है ठीक है मतलब दो आठ में से दो पार्ट्स तो हम लोग यहां पर पहले क्या लिखेंगे जीरो लिखेंगे ठीक है जीरो लिखने के बाद यहाँ पर आठ पार्ट्स बढ़ेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट गया अब इसमें लिखेंगे हम लोग पहले वन बाई एट इसमें लिखेंगे टू बाई एट थ्री बाई एट फोर बाई एट फाइव बाई एट सिक्स बाई एट सेवन बाई एट एंड एट बाई एट एट बाई एट जो होता है वो वन होता है बेसिकली ठीक है एट एट कट जाएगा वन आएगा तो यानी ये वन है और ये जीरो है तो आप समझ रहे हो टू बाई एट कहाँ आ रहा है वन और जीरो के बीच में आ रहा है बीच में नहीं मतलब समझ गए हो तुम तो टू बा पर आ रहा है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर एक डॉट दे दूंगा बंजा डॉट बंजा हाँ बन गया तो ये डॉट मैं यहाँ पर दे दूंगा ठीक है बस मेरा टू बाई एट रिप्रेजेंट हो गया अब मुझे और कुछ नहीं करना है। इसी तरीके से अगर मेरे को बोला गया है समझो सेवन बाय इलेवन कोई नहीं एक नंबर लाइन नंबर लाइन ड्रॉ करो जीरो लिखो ग्यारह लिखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ठीक है उसके बाद यहाँ पर लिखो वन बाय इलेवन टू बाय इलेवन थ्री बाय इलेवन फोर बाय इलेवन कितना अच्छा टोन चल रहा था सब बिगड़ गया सिक्स बाय इलेवन सेवन बाय इलेवन एट बाई इलेवन नाइन बाई इलेवन टेन बाई इलेवन इलेवन बाई इलेवन इलेवन बाई इलेवन यानी वन मेरा सेवन बाई इलेवन कहाँ पर है यहाँ पर है तो बस मैं यहाँ पर डॉट कर दूंगा सर्कल चाहो तो कर सकते हो मेरा आंसर आ गया ठीक है ये डॉट नहीं डॉटा लग रहा है सही में वैसे डॉटा गेम भी है एक्चुअली ठीक है आ, ये वाला कॉन्सेप्ट भी हम लोग का हो गया क्लियर तो तुम लोगों का आज का चैप्टर खत्म हो गया आगे और कुछ है नहीं तो बच्चों अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया और तुम लोगों को देख के मजा आया और तुम लोगों को देख के कुछ सीखने मिला तो प्लीज प्लीज आर ओ सी एफ टी को सब्सक्राइब कर देना नोटिफिकेशन बेल आइकन प्लीज़ दबा देना और हाँ वीडियो लाइक कर देना अगर अच्छा लगा तो ये जेन्यून रिक्वेस्ट है ठीक है और हम लोग इस बार होप करते हैं कि 1000 लाइक्स आ जाएंगे तो चलो एक 1000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं हम लोग थाउजेंड सब स्माइली स्माइली हैं हाँ? ये तीनों मेरे स्टूडेंट है वैसे चलो मजाक कर रहा हूं वन थाउजेंड लाइक्स किस बार होप करते हैं हो जाए और हाँ आ, अगर तुम लोगों को जानना है मेरे बारे में मेरे और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है तो उन सब का भी लिंक हो अगर तुम लोग को लाइव अपडेट्स चाहिए मेरे बेसिकली लाइफ के बारे में आर के बारे में तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना मत भूलना आर का फेसबुक पेज है उसको भी जाके फॉलो कर देना वैसे तो बहुत कुछ मैं तुम लोगों को करने बोल रहा हूँ क्यों अच्छा जो मैंने करना करना है तो करना नहीं करना तो मत करना जो करना करना ज़्यादा इतना भी नहीं करना चाहिए यूट्यूब में और मुझे बड़ा मजा आया तुम लोगों को पढ़ा के आज बहुत दिन बाद यूट्यूब पे आया हूँ लोग तो थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हो बुक्स के बारे में तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ बुक्स का भी लिंक्स दिया हुआ है तुम लोग जाके वहाँ से खरीद सकते हो कुछ स्पेसिफिक बुक्स मैंने तुम लोगों के अलग से लिए अलग से रखा है तुम लोग क्लास एट में हो तुम लोग के लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है वो बुक्स मैंने अलग से रखा है कुछ नॉवल्स हैं और कुछ ऐसे बुक्स हैं जो तुम लोग को बहुत मदद कर सकते हैं मैथ्स में अच्छे होने के लिए इंग्लिश में अच्छे होने के लिए अगर तुम लोग चाहो तो वो बुक्स को जाके अमेजॉन से खरीद सकते हो ऑल ऑफ द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो थैंक यू एवरी आज के लिए बहुत काफ़ी था ये वीडियो और सी यू नेक्स्ट टाइम यानी वेनजडे को बाय बाय